गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10 में चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं। चैप्टर लाइट में अपन ने स्फेरिकल मिरर और इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया था। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। बनते कैसे हैं? जब एक होलो ग्लास पेन को साइड से काटेंगे तो अपने को ग्लास का पीस मिलेगा। उसमें दो सरफेस होगी, दो कर्व सरफेस होगी। ये ग्लास का पीस, जब इसको मैंने साइड से काटा था तो इसमें जो दो पीस होती है, दो कर्व सरफेस है। इस कर्व सरफेस में एक तो होती है केव सरफेस, एक होती है बल्ज सरफेस। जब अपन बल्ज सरफेस को पॉलिश करते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी? केव सरफेस। इस टाइप के मिरर को अपन कहेंगे कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर कहेंगे? कॉनकेव मिरर। और जब हम केव सरफेस को पॉलिश करते हैं और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कौन सी होगी? बल्ज सरफेस। इस टाइप के मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में इसके कंपोनेंट्स, इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होलो ग्लास स्फीयर है उसके सेंटर को ही अपन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। होलो ग्लास स्फीयर, ये होलो ग्लास स्फीयर, इसके सेंटर को ही स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। कर्वेचर क्यों कहेंगे? जो मिरर होता है वो कर्व्ड सरफेस होती है। जो मिरर है वो कैसी सरफेस होती है? कर्व्ड सरफेस। इसलिए क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के सामने होता है, क्योंकि जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मिरर का क्या है? फ्रंट पार्ट। मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो मिरर का फ्रंट पार्ट होती है। तो कॉनकेव मिरर में जो मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी होती है? केव सरफेस। और इसी के सामने क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी के सामने क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बल्ज पार्ट होती है, बल्ज सरफेस होती है। और पॉलिश सरफेस जो इसकी बैक साइड है वो कौन सी है? पॉलिश सरफेस। उधर ही क्या होता है? उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के पीछे होता है। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मिरर के किसी भी पॉइंट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मिरर के किसी भी पॉइंट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है, बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको अपन कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है उसी को क्या कहते हैं? अपर्चर। जिस पे लाइट गिरती है, जिस एरिया पे लाइट गिरती है उसी को क्या कहेंगे? अपर्चर। उसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट था पोल। तो पोल क्या होता है? अपर्चर, जो अपर्चर होता है उसका जो मिड पॉइंट, जो उसका जो मिड पॉइंट होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? पोल। जैसे ये अपर्चर है, ठीक है, ये अपर्चर हो गया, इसके मिड पॉइंट को अपन क्या कहेंगे बेटा? पोल। इसमें देखिए ये अपर्चर हो गया, ये एरिया हो गया, इसके मिड पॉइंट को पोल कहेंगे। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो मिरर के सेंटर और पोल से जाती है। एक इमेजिनरी लाइन जो मिरर के सेंटर और पोल से जाती है, ऐसी लाइन को अपन क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन लिखिए, ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। एक लाइन जो मिरर के पोल और
होती है वो क्या होती है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, ये लाइन होती है। ये देखो सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो ये भी देखो इनके बीच का बीच में ही है, तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होनी चाहिए, जबकि नहीं है, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो तो डिस्टेंस होती है, और ये क्या है, एक लाइन है। लाइन की रेंज क्या हो सकती है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, है ना। ये सेंटर और पोल से जाती है और इसकी रेंज क्या हो सकती है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। उसके बाद में आता है फोकस। तो बेटा फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। जब मिरर पर देखिए, जब मिरर पर अपन लाइट इंसिडेंट करेंगे, पैरेलल लाइन इंसिडेंट करेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है ना। देखिए जब मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन इंसिडेंट करेंगे तो ये सारी सारी लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, है ना। एक पॉइंट पे क्या होगी, कन्वर्ज होगी। वो पॉइंट कहां होगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। वो पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा बेटा, प्रिंसिपल फोकस। जब अपन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट मिरर पे इंसिडेंट करते हैं तो सारी की सारी लाइट प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होती है। किस मिरर में, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं तो सारी सारी लाइट कहां कन्वर्ज होगी, किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट कहां रहेगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। उस पॉइंट को अपन बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसके बाद में अपन प्रिंसिपल फोकस पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। तो प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।